अस्सलाम रोमी के किचन में वेलकम। हम इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रहे थे, हम लोग मसरूफ थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज एक नए वीडियो डालें। मैं बना रही हूँ आज चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने ली है 1/2 kg चिकन और 1/2 kg टमाटर और 1 डली चॉप की है प्याज और 2 चमचे लहसुन, 1/2 चमचा पिसी हुई मिर्चों का और 1/2 चमचा हल्दी और हसबे ज़रूरत नमक और कुटी हुई मिर्चें और अदरक गार्निश के लिए। तो सबसे पहले हम अपना पैन गरम करेंगे, ऑयल डालेंगे अपना 1/2 कप से ज़्यादा हम लेंगे ऑयल। ये देखिए 1/2 कप हम डालेंगे ऑयल। अभी थोड़ी सी अपनी करेंगे प्याज को लाइट ब्राउन, जो हमने प्याज चॉप की हुई थी ये हम करेंगे लाइट ब्राउन। इससे मसाला अच्छा बनता है कढ़ाई में, वो ज़्यादा मसाले वाली कढ़ाई में आपको बता रही हूँ बनाना। देखिए प्याज हम कर रहे हैं अपनी ब्राउन थोड़ी सी लाइट, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे अपनी चिकन फ्राई लहसुन के साथ। ये देखिए प्याज हमारी लाइट जैसी ब्राउन हो जाएगी फिर हम अपनी डालेंगे चिकन। देखिए प्याज हमारी हो चुकी है लाइट ब्राउन, तो इसमें हम डालेंगे अपना लहसुन थोड़ा सा और हम करेंगे चिकन फ्राई। ये देंगे लहसुन डाल के हमने अपनी रख दी है चिकन, इसमें करेंगे अच्छे से चिकन फ्राई। जितने पीसेस होंगे इसको फ्राई करेंगे लहसुन में अलट पलट करके अच्छे से। सबको पलटते रहेंगे हम इसको 1 by 1। सबको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए लाइट ब्राउन चिकन फ्राई होकर। तो देखिए ब्राउन हो गई है फ्राई होकर चिकन अच्छे से हमारे। अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर सारे। टमाटर ज़्यादा और वो मैंने इसलिए लिया है प्याज ताकि कढ़ाई में मसाला अच्छे से बन जाए। अक्सर हमने देखा है कढ़ाई में मसाला कम होता है, तो ज़्यादा टमाटर इसलिए लिए हैं और प्याज भी मैंने इसलिए शुरू में लिए। आप चाहे तो प्याज ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको हम रखेंगे 2-3 मिनट के लिए ढककर ताकि टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाएं और फिर इसके बाद हम मसाला डालेंगे। अब हम करेंगे इसको चेक कि टमाटर कितने हो गए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तकरीबन, थोड़े थोड़े से बाकी हैं, तो इसमें हम अपना डाल देंगे और मसाला। हमारा मसाला बाकी है, थोड़ी सी अदरक रोकेंगे हम अपने गार्निशिंग के लिए और बाकी अपना डालेंगे मसाला सारा। तो अच्छे से मिला देंगे, थोड़े थोड़े टमाटर बाकी हैं तो इसको हम अभी और ढक के रखेंगे। उसके बाद जो हमारा थोड़ा सा ऑयल बाकी था वो भी डालेंगे इसके अंदर। हम अभी ढक के रखेंगे इसको। अब हम अपना देखेंगे अच्छे से टमाटर और सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम अपनी डालेंगे योगर्ट यानी कि दही। दही ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो दही, क्योंकि ज़्यादा अक्सर खट्टा हो जाता है। दही डाल दी हमने इसमें, अच्छे से हम दही को मेल्ट करेंगे और अपना जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था हम इसमें वो भी डालेंगे ताकि अच्छे से भुनाई होती हुई आ जाए। दही की करेंगे भुनाई। कढ़ाई हमारी रेडी होती हुई आ रही है, इसमें आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में बारीक काट कर और ऐसे भी डाल सकते हैं
नमक और मिर्ची चेक करें, अगर आपको और ज़रूरत हो तो वो भी डाल सकते हैं। मुझे इतनी ठीक लग रही थी, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। ये देखें, चिकन भी हमारे अच्छे से गल चुकी है, कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसको करेंगे गार्निश अपनी अदरक और हरे धनिए से। कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी। देखिए अच्छे से इसी रेसिपी से आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त यमी बनेगी। अपना फीडबैक हमको दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।